देखिए आज संडे का दिन है, मॉर्निंग वॉक हम लोग का ख़त्म हो गई है, हम लोग कर लिया। देखिए गंगा जी का तरफ कितना ओस गिरी हुई है, कुहासा जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ठंडा मौसम किया है। आज संडे है तो कह रहे हैं कि चलिए आज फिश खाने के लिए इन लोगों का विचार है, तो आ जा रहे हैं हिलसा मछली लेने। जो मछली खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। हिलसा मछली खा करके देखिएगा तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और ठंडा के मौसम में तो गर्म गर्म खाना चाहिए। चलिए आज तो पुष्पा किचन चलता है तो बनाएगी, अच्छी बनाती हैं, हम लोग सबको अच्छा लगता है, समझे? तो चलते हैं फिश मार्केट। चलिए चलते हैं। मछली मार्केट आ गए हैं, चलिए मछली लेने के लिए। और आज मछली चावल बनाएंगे, गर्मा ही गर्म खाएंगे। मछली में से काटा लग रहा है। मार्केट ये हिलसा है ना, देखिए पापा हिलसा मछली ले रहे हैं, ले रहे हैं हिलसा मछली को, खाने में बहुत काफी टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट है। चलिए आज ही ले रहे हैं, बनाएंगे हम ये तो हाथ से चले गए पानी, वो चाय पी ले रहे हैं हमने तो।
देखिए यहाँ पर हर तरह की मछली है, आप देख सकते हैं जो आप खोजिएगा वो मछली मिल जाएगा। पर मछली मार्केट है और यहाँ पर हर मछली है, टंगरा है, गैची है, रेहू है, कतला है, झींगा है, बहुत मछली है। मूढ़ी गोटाई खाए में अच्छा लगला। ले लो डाल दीजिए इसमें। साफ कर लिए हैं इस मछली को। देखिए मसाला इसमें डालेंगे, काला राई है, बनारसी राई है, पीला सरसों है, कश्मीरी मिर्चा है, हाफ चम्मच गोलकी पाउडर है, एक चम्मच जीरा पाउडर है, दो चम्मच हल्दी है और लाल मिर्चा है, लहसुन है। इसको सब हम ग्राइंड कर लेंगे, तब ग्राइंड करके हम बनाएंगे मछली राई को। फिर पीला राई, सरसों, मसाला ग्राइंड कर लिया, अभी लहसुन इसमें डालेंगे, उसी में डालो। मसाला
मसाला पीस लिया। अब चलिए हिलसा मछली बनाने, खाने में काफी टेस्टी लगते हैं, आप इस तरह से बनाइएगा, खाइएगा, बहुत आपको पसंद आएंगे हिलसा मछली। ये मछली में अब डालूंगी मैं नमक, सबसे पहले नमक और हल्दी। अब ग्राइंड किया हुआ जो अभी मसाला लिए थे लहसुन और सरसों, देखिए अच्छी तरह से इसको खूब मिलानी है। देखिए अच्छे से मछली में मसाला मिक्स कर लिए हैं, इसी तरह से मिक्स करनी है पूरा मसाला डाल करके। और चलिए तेल गरम करेंगे मछली फ्राई करने के लिए। तेल डाल रहे हैं, अच्छे से फ्राई करने के लिए तेज आंच होनी चाहिए। तेल पूरी गरम हो जाएगी तब मैं मछली डालूंगी। गरम हो गई है, गैस हम कुछ कम करेंगे, मीडियम आंच रखें तब मैं मछली डालूंगी। ये मछली मैं डालती हूँ और इसकी आवाज कुछ कम हुई, अब गैस तेज कर दी है तब मैं इसको पलटूंगी। फ्राई हो गई है, लाल लाल कर लिए हैं, अब मैं इसे निकाल लूंगी। देखो सारा मछली फ्राई कर लिया है और चलिए अब मसाला फ्राई करूंगी। अब बहुत उड़ने वाला मछली है बहुत उड़ रहा मैं डाल दूंगी पचफोरन। देखिए फोरन चटकना बंद हो गई है, अब मैं मसाला उसमें डाल दूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी सरसों लहसुन जो है, डाल करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए मछली तो हर मछली आदमी खाते हैं, लेकिन हर मछली का स्वाद अलग अलग रहती है। जैसे हिलसा मछली का स्वाद कुछ और है, रेहू मछली का स्वाद और है, हर मछली का अपना अपना स्वाद रहती है। इसे मैं 2 चम्मच में हल्दी डाल दूंगी।
हल्दी पाउडर लिए थे वो भी डाल देंगे, मिर्चा पाउडर भी डाल देंगे, जीरा पाउडर भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाला फ्राई करनी चाहिए। अभी तेल हमारी मसाला नहीं छोड़ रही है, इसलिए आप सोचिए कि मसाला अभी तक फ्राई नहीं हुई है। जब मसाला हमारी अच्छी तरह से फ्राई हुई तो तेल छोड़ना शुरू हो जाती है। अब मैं इसमें अब टमाटर भी डालूंगी। मसाला फ्राई हो गई है, तेल छोड़ना शुरू हो गई है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। बड़ा पीस दो टमाटर लिए थे, बड़ा टमाटर। इसमें आप इमली भी डाल सकते हैं खट्टा के तौर पर, ऐसे टमाटर का तो स्वाद बहुत अच्छा होता है। मछली में टमाटर ही अधिक आदमी डालते हैं, और जो टमाटर नहीं रहे तो आप इमली भी डाल सकते हैं, आमचूर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, कि टमाटर नमक डालेंगे तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएगी, स्वाद अनुसार नमक। देखिए टमाटर डाल करके नमक डाल देने से टमाटर बहुत सॉफ्ट हो जाती है। टमाटर सब गल चुके हैं, थोड़ी सी एक दो मिनट और फ्राई करूंगी मसाला, अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तेल चारों तरफ से छोड़ दिए थे, मसाला हमारी अच्छी से फ्राई हो गई। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए गढ़ा भी है, आप गढ़ा भी खा सकते हैं, पत्ता भी खा सकते हैं। आप जैसा ग्रेवी बनाना चाहते हैं पानी भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें उबाल आएगी तो मैं तब मछली डालूंगी। इसमें उबाल आ गई है, अब मैं इसमें मछली डालूंगी। अब धनिया इसमें मैं डाल दूंगी। गैस सिलिंग कर दी है, दो मिनट छोड़ देंगे। देखिए मछली हो गई है, अब गैस ऑफ कर देंगे। ये बहुत अच्छी मछली बन गई है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए अब गर्मा ही गर्म सर्व करें। चलिए गर्मा ही गर्म सर्व करें। और हमारी वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट आप लोगों को पढ़ करके बहुत हमको मन खुश होती है, बहुत अच्छा लगती है। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब तो ज्यादा से ज्यादा कीजिए। चलिए अब खाना देने के लिए भात इतना अच्छा लग रहा है, गरम गरम अंडे के दिन में खाते रहिए। सिरका मछली का बात है कुछ पाउडर,
बनाया भी गया है बहुत अच्छा, तो मस्त तेल मसाला सब सफिशियंट है, कोई चीज ज्यादा नहीं, नमक मत सब। बहुत अच्छा बना है, ठंडा मौसम में गरम गरम खाइए। बहुत स्वादिष्ट बना है, आप लोग पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर कीजिए, कमेंट पढ़ करके बहुत मन खुश होती है।